हेलो दोस्तों, काला घोड़ा फेस्टिवल शुरू हो चुका है। तो ये थे कुछ सीन्स वहाँ के जब मैंने वहाँ विजिट किया। तो बेसिकली दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि काला घोड़ा फेस्टिवल इज एन आर्ट फेस्टिवल। यहाँ पे कई सारी क्रिएटिव चीजें आपको देखने मिलेंगी, लेकिन इस साल मैंने देखा कि रोड पे यहाँ पे कई इंटरेस्टिंग पोस्टर्स बिक रहे थे 50 रुपीज में सिर्फ। और ये BTS मेंबर्स के पोस्टर्स आप देख रहे हो, यहाँ पे काफी अच्छे पोस्टर्स दिख रहे हैं। तो ये आप जो BTS फैंस हैं, आप जरूर आके यहाँ पे पोस्टर ले सकते हो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी था बाय द वे। तो एनीवेज, अब हम अंदर चलते हैं इस आर्ट फेस्टिवल के। यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज भी आए थे, तो हमने अपनी बैग डाल दी ये चेकिंग मशीन में। तो दोस्तों, मैंने 2 साल काला घोड़ा फेस्टिवल को मिस किया और इस साल मैंने डिसाइड किया मैं मिस नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा कैसे भी करके। और यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक तरह से जो चीज़ें आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं देखने मिलती है या पूरे इंडिया में नहीं देखने मिलते, वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। ये जैसे चप्पल, उसके बाद ये घोड़े, ये अलग अलग स्टाइल के घोड़े यहाँ पर डेकोरेटिव बना के, और फिर ये पतंग लटक रहे ऊपर, और उसके बाद शुक्ला जी की गाड़ी एम्बेसडर, इसको अलग अलग स्टाइल में डेकोरेट किया जाता है हर साल। और ये गाड़ी तो इधर की हाईलाइट है। अभी इस साल इन्होंने इस पे कंप्यूटर के कीज लगाए हुए हैं, जो कीज मतलब जो बटन्स है वो लगाए हुए हैं, उससे डेकोरेट किया है। तो हर एक बटन आप देख सकते हो, 1 2 3 4 F1 F2 F3 F4 F5, ऐसे सब स्पेस बार, ये एंटर वेंटर सब डाल के उसमें डेकोरेशन किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सोचता है मुझे पता नहीं है यार, लेकिन वो काफ़ी हटके इनका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मसाज ले रही है सब औरतें, तो ये एक नया मैंने कुछ देखा इस साल। यहाँ पे मस्त इन लोग रिलैक्स करके, जैसे कि बीच पे बैठे पूरे पब्लिक व्यू में मसाज ले रहे हैं। और यहाँ पे ये भी एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी एक टाइम, तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी लोगों की फ़ोटो लेने से। थी ऐसी जगह तो दोस्तों, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी। अंदर यहाँ पे गोरा घोड़ा है और बाहर काला घोड़ा है, और गोरे घोड़े पे आरके लक्ष्मण जी के जो कॉमन मैन है उनको बिठा दिया है विद द पेन, और पेन भी ऐसा कि रॉकेट लॉन्चर लग रहा है वो पेन। तो पेन इज माइटियर देन अ सॉर्ड, यही उनको डिपेक्ट करना है। और ये मस्त एक यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया, मेरा फेवरेट इंस्टॉलेशन है यहाँ का, वो एम्बेसडर कार के बाद। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. तो यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल का एक ट्री बनाया हुआ था, एक मैसेज देने के लिए कि प्लास्टिक मत यूज करो। तो दोस्तों, इस बार यहाँ पे और एक हटके सा इंस्टॉलेशन था। पहले तो मुझे लगा चूहे पकड़ने का कोई तो बड़ा ट्रैप, माउस ट्रैप रखा हुआ है, लेकिन पास जाके देखा तो ये रिक्शा जैसे दिखने वाला यहाँ पे कुछ बनाया होता है। ये भाई साहब अंदर फंस गए चूहे के जैसे क्योंकि उनकी पैंट वहाँ पे अटक गई थी वो नेट में, लेकिन वो कैसे वैसे करके बाहर निकले। तो
दोस्तों ये था काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकॉन। कमेंट करना ना भूलिएगा बिकॉज आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज वाई पी वॉन्ट से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय। Try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.